कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और यूपी के सह प्रभारी धीरज गुर्जर ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस दौरान उन्होंने जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रवासी सहायता कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन का शुभारंभ किया। गुर्जर ने वीसी में कहा कि प्रवासी मजदूरों को अपने गृह जिलों और राज्यों में भेजने के लिए पूरी मदद की जाएगी। ऐसे मजदूरों से आवश्यक दस्तावेज लेकर सूची बनाकर जिला प्रशासन संबंधित राज्य की सरकार को उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही जिला प्रशासन से तालमेल बिठाकर इन मजदूरों को उनके गृह राज्यों में पहुंचाया जाएगा, जो लॉकडाउन के चलते यहां फंस गए और अब यहां से नहीं जा पा रहे हैं। मेरा नाम रजनीश पासवान है, मैं यूपी सुल्तानपुर जिले का रहने वाला हूँ। मुझे अपने गांव जाना है। मैंने यहाँ मदद मांगी है कांग्रेस से। मैं यहाँ रेलवे के